सो हे गाइस, मैं जेरी बैक अगेन विद अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ अपने आर्टवर्क्स, और ये आर्टवर्क्स उन आर्टवर्क्स से बिल्कुल ही अलग हैं जो कि मैं आपको अपनी वीडियोस के थ्रू दिखाता हूँ। और ये आर्टवर्क्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल के हैं उनके अकॉर्डिंग, और जो कि आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को मैं डिवाइड करने वाला हूँ दो पार्ट्स के अंदर, क्योंकि आर्टवर्क्स इतने सारे हैं, अगर एक ही वीडियो में डालूंगा तो वो वीडियो कम से कम 2 से 3 घंटे की बन जाएगी और वो देखने में थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी। एंड उसमें से भी मैंने कुछ ड्राइंग्स को ही चूज करा है। मैं सारी ड्राइंग्स नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत सारी हो जाएंगी, तो जो जो मेरे को लगा कि ये वाली ड्राइंग्स आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो वो आज की इस वीडियो में कम्प्लीट दिखाने वाला हूँ। एंड इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो वाले आर्टवर्क जहाँ पे मेरे को ड्राइंग के डी का भी मतलब नहीं पता था, जहाँ से मैंने अपनी ड्राइंग जर्नी को स्टार्ट करा और इस लेवल तक लेके आया। और अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको अपने बेस्ट आर्टवर्क्स। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं मैंने कहाँ से अपनी ड्राइंग जर्नी को स्टार्ट करा। सो हमारी ड्राइंग स्टार्ट होती है यहाँ से। तो ये मैंने यूट्यूब से या फिर गूगल वगैरह से कहीं से तो देख के मैंने बनाया था, और ये मैंने बनाया था 2016 के अंदर। YouTube से देख के बनाने का ट्राई कर रहा था, इसमें मैं 3D शेप देने की कुछ कोशिश कर रहा था, बट ये कुछ इस तरह का बना था। एंड ये एक आई मैंने बनाई थी जो कि मैंने खुद ही बनाई थी, ना कहीं से देखा था ना कुछ, और मेरे को कुछ पता नहीं था शेप्स वगैरह के बारे में, तो ये कुछ इस तरह से बनी थी। एंड ये वाटर कलर जो कि मैंने YouTube से देख के ट्राई करा था। यहाँ पर मैं मोस्टली सारे काम ही यूट्यूब से करता था देख देख कर, तो ये वाली जो आर्टवर्क है ये भी सारे मतलब आर्टवर्क जो है वो यूट्यूब से देख कर ही बनाए मैंने। ये मैंने ऑयल पेस्टल उसके ऊपर ग्रेफाइट पेंसिल की मदद से बनाया था। एंड ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट आर्टवर्क था उस टाइम पर, जो कि है वेस्पा का स्कूटर। तो ये काफी अच्छा बना था उस टाइम, लेकिन इस पे मैंने स्प्रे वगैरह नहीं करा था तो उस वजह से थोड़ा सा ये डस्टी सा हो गया है। ये हमारी सेकंड स्केच बुक। मैंने शाहरुख खान बनाने का ट्राई करा था तो कुछ इस तरह का बना था ये। इस टाइम मैंने ज्वाइन करी थी एक आर्ट क्लास, तो वहां पर मेरे से बोला था जो आपको आता है वो बनाओ, तो मैंने कुछ इस तरह की सीनरी बनाई थी। और ये वाला जो है ये मैंने नहीं बनाया था, ये मैम ने बना के मेरे को दिखाया था बाद में जब मैंने ये कुछ इस तरह का बना दिया था। तो ये था मेरा फर्स्ट आर्टवर्क जो मैंने किसी आर्ट क्लास में बनाया था। फिर उसके बाद मैंने सीखना स्टार्ट करा और कुछ इस तरह के आर्टवर्क्स मैंने प्रैक्टिस करे थे वहां पर। ये भी, और फिर इस आर्टवर्क के बाद मैंने अपनी आर्ट क्लास छोड़ दी, क्योंकि मैंने 5-7 ही दिन ली थी, और उसके बाद फिर मैंने अपनी आर्ट क्लास छोड़ दी क्योंकि मेरे को थोड़ी सी बोरिंग लग रही थी। उसके बाद मैं फिर से यूट्यूब से देख के अपनी आर्टवर्क बनाने लग गया। और ये वाली भी आर्टवर्क मैंने अपनी क्लास में ही करी थी।
ये सारे आर्टवर्क फिर मैं यूट्यूब से देख के करने लग गया। एंड ये था एक्रेलिक से करा हुआ मेरा पहला आर्टवर्क। एक्रेलिक क्या, मैंने वो जो फैब्रिक वाले कलर होते हैं उन्हीं को एक्रेलिक समझता था, लेकिन मैं गलत था, तो मेरे को वो बाद में पता चला। लेकिन उस टाइम मैं इस तरह से कुछ करता था यूट्यूब से देखकर। ये मैंने इंक से ड्राई करा था, जैपनीज जो ड्राइंग होती है ना इंक वाली, तो उसको देख करके ये मैंने ट्राई करा था। एंड ये है हमारी नेक्स्ट आर्ट फाइल, और ये A3 साइज की है। पहले वाली A4 साइज की थी और ये A3 साइज की है, क्योंकि मेरे को एक फ्रेंड ने रिकमेंड करा था कि बड़े आर्टवर्क बनाया कर, तो मैंने फिर ये वाले आर्ट फाइल पे बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं भगवान की जो ड्राइंग्स है वो स्टार्टिंग से ही बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने अब स्टार्ट कराओ या यूट्यूब के लिए मैंने स्टार्ट कराओ, मैं स्टार्टिंग से ही बनाता हूँ। ये है सलमान खान का स्केच, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा था उनका स्केच, तो ये कुछ इस तरह का बना था। कमेंट करके बताना ये कैसा लगा आपको। ये था जैकलीन फर्नांडेस, सॉरी मेरे को नाम लेना नहीं आता, तो ये जैकलीन का मैंने स्केच बनाया था, कुछ इस तरह का बना था ये। ये भी मैंने एक्रेलिक या कहो फैब्रिक कलर से बनाया था। एंड इस टाइम पर मैं ग्रिड मेथड का यूज करना स्टार्ट कर चुका था, तो ये सारे आर्टवर्क जो है मैंने ग्रिड मेथड की मदद से बनाए थे। ये सारे आर्टवर्क ऑयल पेस्टल से मैंने किए हुए हैं। एंड ये अगेन फैब्रिक कलर। एंड ये मैंने इमेज उठाई थी गूगल से, तो उसको देखकर कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करी थी। ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। ये इनकम्प्लीट, आपको काफी सारे आर्टवर्क मेरे इसमें देखने को मिलेंगे, तो ये वाला एक इनकम्प्लीट है, तो ये मेरे दो फ्रेंड्स हैं और ये मैं खुद हूँ, तो उस टाइम की मैंने इनकम्प्लीट छोड़ रखी है, अभी तक कम्प्लीट नहीं करी, और मुझे नहीं लगता मैं आगे कम्प्लीट करूंगा क्योंकि मेरे पास इसका रेफरेंस ही नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट हमारी ये वाली डिस्प्ले बुक, और ये उस टाइम की है जब मैंने दोबारा से उसी आर्ट क्लास को ज्वाइन करा था। तो यहाँ पर है आई प्रैक्टिस, तो उस टाइम मेरे को कोई भी नॉलेज नहीं थी कि कितना डिस्टेंस होता है और आईब्रोज वगैरह और हेयर्स वगैरह के बारे में, तो ये उस टाइम का फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया, तो ये उस टाइम की मेरी आई कलेक्शन है। ये वाला जो आर्टवर्क है वो मैंने ऑयल पेस्टल से करा था। एंड ये होता है मोनोक्रोम, सिर्फ एक ही कलर का यूज करके, मतलब एक ही कलर की डार्क टोन और लाइट टोन को बनाकर करते हैं, तो ये मोनोक्रोम होता है, तो ये कुछ इस तरह का था और ये मेरा फर्स्ट मोनोक्रोम ड्राइंग था। एंड ये है पेन वर्क, जो रोटरिंग पेन होते हैं ना माइक्रोन वगैरह के, तो उस तरह का ये आर्टवर्क मैंने पहली बार करा था, तो ये मेरा फर्स्ट पेन वर्क था। एंड ये था इंक वर्क, तो इसे स्टेंसिल आर्ट कहते हैं, जो कि अभी आप देखते होंगे मैं करता हूं, तो वो ये होता है स्टेंसिल आर्ट, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम करा था इंक से।
एंड ये है कुछ लैंडस्केप्स जो कि मैंने ऑयल पेस्टल से करे थे। एंड अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा वाटर कलर की जर्नी, और ये थी मेरी फर्स्ट वाटर कलर की पेंटिंग जो कि मैंने क्लास में करी थी। तो ये कुछ इस तरह का हुआ था। सो गाइज, ये है मेरी सेकंड डिस्प्ले बुक, और इसमें मेरा जो आर्टवर्क है वो एक लेवल और अप हो गया था, जो कि मैं अब आपको दिखाता हूं। तो ये था इंक से किया हुआ वर्क। एंड ये भी इंक से करा है, और ये वाला चारकोल से मैंने किया था, और ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को आज भी, और ये वाला भी। ये मैंने डॉट 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 करके बनाया था, और ये मेरा उस टाइम का सबसे बेस्ट आर्टवर्क था। इसमें मेरे को एक्सलेंट प्लस 2 स्टार्स भी मिले थे, और ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक बना था उस टाइम पर, बट आज तो मैं इससे और ज्यादा रियलिस्टिक बना सकता हूँ। एंड ये चारकोल से किया था मैंने। एंड ये मैंने फर्स्ट टाइम बिना किसी को देखे, मतलब एक ट्री को बनाने का कोशिश कर रहा था, तो कुछ इस तरह से बना था, और ये काफी ज्यादा अच्छा तो नहीं है। और ये फर्स्ट जो पेंटिंग है जो कि मैंने ऑयल पेस्टल से करी थी, तो ये कुछ इस तरह की ऑयल पेस्टल की जो शीट आती है उस पर करी थी मैंने फर्स्ट टाइम, तो कुछ इस तरह से हुआ था ये। ये भी वही सेम मैंने सॉफ्ट पेस्टल से ही करा है, और स्प्रे करने के बाद ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है। अगर आपने कभी ऑयल पेस्टल करा होगा तो आपको पता होगा कि डार्क हो जाता है थोड़ा सा स्प्रे करने के बाद। तो ये मेरे सॉफ्ट पेस्टल से हैं दोनों आर्टवर्क। एंड ये थी मेरी फर्स्ट पेंसिल कलर से की हुई ड्रॉइंग। तो ये मेरी फर्स्ट जो ड्रॉइंग है वो कुछ इस तरह की हुई थी। ये वाटर कलर से करा था, और ये वाला इंक से। तो इंक वाले आर्टवर्क जो है मेरे को स्टार्टिंग से देखने में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, और करने में भी काफी मजा आता था उनको। तो ये एक था उनमें से। एंड ये मैंने चारकोल से स्टैचू बनाया था। एंड ये कुछ मैंने स्ट्रोक से प्रैक्टिस करी थी हाथ वगैरह को बनाने की। इसे मैंने वॉटर कलर प्लस पेन दोनों का यूज करा था। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतनी ही आर्टवर्क्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जो अपनी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसका पार्ट टू, उसके आर्टवर्क्स नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं, और आई एम श्योर कि वो सारे के सारे आर्टवर्क्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। और वो आर्टवर्क्स देखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज यार लाइक कर लो। नहीं थे सारे मैंने अपने आर्टवर्क्स दिखाए हैं तो प्लीज उसके लिए लाइक कर देना। एंड आपको कौन सा वाला आर्टवर्क इन सब में से पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।